हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाने वाले। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहां पर आपसे दिया है लोकगीत और आपका गायन अवसर। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर में क्या हो सकता है, चलिए तो यहाँ पर देखो दिया गया है यार आपसे चैती। क्या दिया गया है यहाँ पर आपसे दिया गया है चैती। ये बताइए चैती कहां से जुड़ा है, चैती जो जुड़ा है ये आपके कहां से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके है कहां से भाई, चैती जो आपका है मौसमी गीत से जुड़ा है, ठीक है। कहां से, मौसमी गीत के समय गाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए जो आपका कजरी है, ये कजरी कब गाया जाता है भाई, चलिए कजरी जो गाया जाता है ये कब गाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा विवाह एवं मौसमी गीत है। कजरी जो आपका है ये विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया जो आपका है ये ब्रज का है, कहाँ का है, ब्रज का है। और जो सोहर है ये आपके संस्कार गीत हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है गलत होने के चांस लगभग 90% आपके हैं, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा कौन सा बनेगा, 4-3, 4-3, इसके बाद कौन सा बनेगा 2-1, है ना। यहाँ पर ये जो आपका है 4-3-2-1 बनेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कोई ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए 4-3-2-1 ऑप्शन जो आपका है नंबर इसका राइट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे बताना है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया किसने लिखने वाले कवि का नाम क्या था। चलिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था। 17 का ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा बी रंजन प्रसाद थे, कौन, रंजन प्रसाद। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट नहीं आ रहे एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, कमेंट भी आ जाएंगे, लाइक कर दीजिए तुरंत आपके कमेंट भी आएंगे, है ना। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सब कुछ दिखाई देने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। देखो जल विहार मेला, देखो नए प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर बताइए जो जल विहार मेला है वो आपके बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बटेश्वर मेला आपके पश्चिमांचल में आपका है, जो कि आप देख सकते हैं कि आपके आगरा में, क्योंकि वो पश्चिम में आगरा पड़ता है, घुमाया गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा, है ना। पश्चिमांचल दिया है मतलब जो आपका आगरा है, तो आगरा किस में आता है, पश्चिमी यूपी में आता है। तो ये भी आपका सही दिया गया है, है ना। आप लोगों से गलतियां देखो हो रही हैं, है ना, आप लोगों से ये गलतियां हो रही हैं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, जबकि पढ़ा है सब कुछ, बस ये शब्द आपने नहीं पढ़ा था। अगला दिया है बलदेव छठका मेला, बलदेव छठका मेला ये हरियाणा में है, कहां से, तो ये आपके हरियाणा में लगता है, हरियाणा में। तो ये गलती है ऑप्शन सी वाले में, ठीक है ना। अगला है शुक्रताल का मेला, तो आपके मुजफ्फरनगर में लगता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका था, लगभग सभी लोगों से गलती होने के चांस थे, है ना। इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा सी नंबर, बलदेव छठका मेला लगता है हरियाणा में। ये पश्चिमांचल जो कि आपको मालूम है आगरा में है, और आगरा ही तो आपके पश्चिमी यूपी में है ना, क्लियर है। चलिए यहां पर वीडियो भाई नहीं आपका ओपन हो रहा है, देखिए सब लोग रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, सभी लोग देखिए सबके ओपन हो रहा है भाई, सबको आ रही है आवाज हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। चलिए यहां पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 नंबर में, ऑप्शन डी, ये देखिए आपके मुजफ्फर अहमद, नाली गुप्ता, शौकत उस्मानी, लेकिन एम ए अंसारी इसमें से शामिल नहीं थे। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। अगला है हड़प्पा स्थल का मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा स्थल का जो मांडी है भारत के किस राज्य में स्थित है 20 नंबर में, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर, आपके उत्तर प्रदेश में। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कह रहा निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, इसका ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कजरी है, सोहर है, चैती है, लेकिन जो तेरा ताल है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल दिया है और आपका राज्य दिया है। ये देखिए भाई बोधगया कहाँ पर है, तो आपके बिहार में है। सारनाथ जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है। अजंता कहाँ पर है ये बताइए आप लोग जल्दी से बताइए, जो आपका अजंता है, अजंता ये आपके है कहाँ पर। चलिए ये अजंता जो आपका है कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है, या आपको बताना है आपके कह सकते हैं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, वेरी गुड, देखिए अजंता जो आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिए महाराष्ट्र इसका हो जाएगा। ये सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। सोमनाथ जो आपके गुजरात में है ना, तो ऑप्शन सी आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर के सरकी वंश का जो अंतिम शासक था 23 नंबर में, आपका कौन सा हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चुने हुए क्वेश्चन आपके हैं, एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। 23 का ऑप्शन आपका हो जाएगा देखिए हुसैन शाह, ठीक है, जौनपुर के सरकी
लूती वंश का अंतिम शासक पूछा है भाई, क्या पूछा है, अंतिम पूछ लिया है, और आप लोग इब्राहिम शाह लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है जैन के, जैन जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक, ये हुसैन शाह था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगला है मथुरा मूर्ति कला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी 24 में, ये आपके कुषाण काल में, ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर, कुषाण काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है 25 दिसंबर में, देखो भाई चरकुला है ना, और आपके यहाँ पर कर्मा है, पाईडंडा है, लेकिन फगुआ जो आपका है भाई उत्तर प्रदेश का नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, मतलब उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है एक ऐतिहासिक पूर्व काल की आपकी है, इसमें कौन सम्मिलित आपका है ना। तो देखो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन आपके दिए गए हैं है ना, किसमें 26 दिसंबर में, तो आपको देखिए आपको दिया गया है बुद्ध दिया है, राम दिया है, नवाज दिया है, और आपके महाराज दिया है। यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से ऑप्शन को यहाँ पर सही करें कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की संस्कृत का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें पूर्व काल है 26 में। चलिए देखिए 26 नंबर की अगर हम बात करें यहां पर, तो आपका जो ऑप्शन है सी वाला, यहाँ पर दिया थर्ड, थर्ड मतलब आपके सबसे यहाँ पर नवाब हो गए, यहाँ पर देखिए महाराज हो गए, फिर आपके यहाँ पर बुद्ध हो गए, ठीक है ना, यहाँ पर नवाब महाराज ही बुद्ध, ये आपका जो होगा इसका थर्ड होगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंब जो करती है वो आपकी किसकी करती है, तो चलिए बताइएगा कि गाजियाबाद जनपद में जो वाली आलमगीरपुर है इसे प्राप्त पुरातात्विक सामग्री जो प्रतिबिंब करती है मतलब क्या दिखाती है, तो ये आपके हड़प्पा संस्कृत को दर्शाती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है देवबंद आंदोलन जो कि यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था, ये जो आपका आंदोलन है किस वर्ष में आरंभ हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा है ना, जितने लोग जुड़ गए हैं वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, आज बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको लिए गए हैं है ना, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लोगे तो 100% है कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 28 नंबर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके 1866, ऑप्शन बनेगा डी 1866 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था ये कहाँ पर स्थित है, चलिए बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया ये आपके कहाँ पर है, तो ऑप्शन देखिए सरधना, क्या हो जाएगा सरधना जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर। अब बात आती है सरधना पड़ता कहाँ पर है, तो आपके मेरठ में पड़ता है, कहाँ पर मेरठ जो कि क्रांति नगरी या कैंची नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहु बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, बताइएगा बहु बेगम का जो मकबरा है ये आपके कहाँ पर स्थित है 30 नंबर में, बहु बेगम का मकबरा आपको बताना है, सभी लोग जवाब दीजिए कि जो बहु बेगम का मकबरा है ये आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए देखिए आपके फैजाबाद में है, कहाँ पर है फैजाबाद, देखिए लगभग सभी का जवाब सही आ गया है, ये आपके फैजाबाद जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 31 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका 31 का जो ऑप्शन है वो आपका बी, देखिए जोश आपके मलिहाबाद से हैं, रघुपत शाह जो आपके गोरखपुर से हैं, कहाँ से आपके हैं ये आपके गोरखपुर से हैं, याद रखिए गोरखपुर से हैं तो बी गलत हो गया, जिगर आपके मुरादाबाद से हैं, चकबख्त जो आपके लखनऊ से, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ठीक है आगे बढ़िए निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, देखो अमीर खुसरो आपके एटा से हैं, मिर्जा गालिब आपके आगरा से हैं, जोश मलियाबाद से हैं, राम प्रसाद बिस्मिल कहां से हैं आपके शाहजहांपुर से हैं, कहां से हैं शाहजहांपुर से, जो कि 17वें नंबर का नगर निगम आपका है, कौन सा 17वें नंबर का नगर निगम जो आपका है यही है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था, किसका जन्म आगरा में हुआ था 33 का ऑप्शन दीजिए, तो आगरा में हुआ था किसका, तो आपके मिर्जा गालिब का हुआ था जो कि एक उर्दू शायर है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा है ना। चलिए नहीं पढ़ाया आप तो आप पढ़ लेंगे तो आज आपको गजब मतलब बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। देखो दिया है इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है 34 में, तो देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये आपके कहाँ पर है, तो देखो मोतीलाल नेहरू संग्रहालय बताइए, चलिए आप सभी को जवाब देना है यहाँ पर बताइए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है 35 नंबर में। चलिए 35 को ऑप्शन देखिए आपका सी आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं, यहाँ पर मोतीलाल पूछा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है, भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है यहाँ पर देखिए आपके वाराणसी में, कहाँ पर है वाराणसी, ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखो भाई विंध्याचल जो कि आपके मिर्जापुर में है, देवा शरीफ का बाराबंकी में मेला लगता है, हस्तिनापुर पड़ता है मेरठ में है ना, यहाँ पर सुरेंगीरपुर आपको दिया है फैजाबाद, हमने आपको बताया था जो सुरेंगपुर आपका है ये फैजाबाद में आपको नहीं है, ये आपके कहाँ पर है आपके इलाहाबाद के साइड में पड़ता है आपका जो सुरेंगीरपुर है ना, तो ऑप्शन डी वाला आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महर्षि
वाल्मीकि का आश्रम स्थापित है, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ये स्थापित है, 38 को ऑप्शन दीजिए। तो ये कहाँ पर आपके बिठूर में है, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर, बिठूर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, विख्यात भारत माता का मंदिर है कहाँ पर है। चलिए विख्यात भारत माता का जो मंदिर है आपके कहाँ पर है, 39 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी हो जाएगा, वाराणसी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा आपके, वाराणसी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, आगरा स्थित दयाल बाग जो आपका है किससे संबंधित है, 40 नंबर का जवाब दीजिए। 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राधा स्वामी पंथ से है, किसे है, तो आपके राधा स्वामी पंथ से है, ऑप्शन इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 41, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 41 दिया गया है। तो देखो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो आपका जो फतेहपुर सीकरी है ना, क्या फतेहपुर सीकरी जो आपका है ये आपके अकबर ने बनवाया था, है ना। और इसके बाद जौनपुर सिटी अगर बात करते हैं, क्या जौनपुर सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, क्या यहाँ पर आपका जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। इसका मतलब आपका जो आपका ये तीन है ये आपका क्या हो गया, आपका चार हो गया। आगरा सिटी सिकंदर लोदी इसका दो हो जाएगा। जामा मस्जिद जो कि आपकी बदायूं में है या आपके इल्तुतमिश ने, तो इसका एक हो जाएगा। तो आपके जो ऑप्शन बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, 3-4-2-1 बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 3-4-2-1 बन रहे हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनका वे हैं, बताइएगा यहाँ पर आपसे दिया गया है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, यहाँ पर 42 में ये आप कह सकते हैं कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी भर्तहरि है, क्या है, भर्तहरि, जो कि ऑप्शन है इसका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपके पूर्व उत्तर प्रदेश में आपका फैला हुआ है, याद रखिएगा जो भर्तहरि है ये एक समाधि है, ठीक है, भर्तहरि की समाधि आपकी है, विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया था एक भर्तहरि मंदिर, ठीक है, क्या भर्तहरि एक मंदिर विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ये बताइए जो कनक भवन है आपके कहाँ पर है, कनक भवन जो आपका है कहाँ पर है, तो कनक भवन आपके अयोध्या में है, इसका मतलब आपका ये हो गया चार हो गया। जो कामतगिरी पर्वत है आपके चित्रकूट में है, इसका तीन हो जाएगा। करिंजर मेला कहाँ पर है, तो आपके बांदा में, इसका दो हो जाएगा। देवा शरीफ कहाँ पर है, बाराबंकी में है, तो आपका इसका वन हो जाएगा। तो बनेगा क्या, 4-3-2-1 बनेगा, है ना, 4-3-2-1 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर दिया गया है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में करिंजर का किला स्थित है, बताइएगा जो करिंजर का किला है वो आपके कहाँ पर है। अभी अभी आपने पढ़ा कि करिंजर का जो किला है वो कहाँ पर है, आपके बांदा में है, कहाँ पर है आपके बांदा में है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपसे कह रहा है लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, लखनऊ महानगर के संबंध में आपको यहाँ पर बताना है कि क्या पॉइंट आपका है क्या नहीं यहाँ पर है। तो देखो दिया गया है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब असुद दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था, बिल्कुल ये पॉइंट जो आपका दिया गया है ये बिल्कुल सही पॉइंट आपको दिया गया है। अगला है कि ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुसंगठित विकास पर ध्यान दिया था, इसके सुसंगठित विकास पर क्या दिया था, ध्यान दिया था, है ना। और इसके बाद दिया गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि महानगर की कुल भूमि के 23% पर यह रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ही आपका सही दिया गया है, मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन है आपका एक और दो, ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, उत्तर प्रदेश में जो आपके ऐतिहासिक स्थान है और उनमें जो आपकी बनी हुई इमारत है वो आपके किस स्थान पर आपकी है। तो देखिए 84 गुंबद क्या है आपका यहाँ पर जो दिया गया है 84 गुंबद, तो 84 गुंबद कहाँ पर है, चलिए 84 गुंबद आपके है जौलान में, ठीक है, जौलान में इसका आपका डी हो जाएगा। और जामा मस्जिद कहाँ पर है, तो जामा मस्जिद कहाँ पर है भाई, तो ये आपके है मुरादाबाद में, कहाँ पर है मुरादाबाद में, इसका आपका क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा। बौद्ध का जो स्तूप है वो आपके कहाँ पर है, तो कुशीनगर में है, इसका दो हो जाएगा। कामतगिरी पर्वत कहाँ पर है, तो आपके चित्रकूट में है, इसका आपका वन हो जाएगा। तो आपके जो ऑप्शन बन रहे हैं 4-3-2-1 बन रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर 4-3-2-1 ऑप्शन क्या मिल गया है, यहाँ पर आपका सी नंबर मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, कांग्रेस के जो अधिवेशन है और उत्तर प्रदेश में जो आपके अधिवेशन हुए थे वो किस स्थान पर आपके हुए थे 47 नंबर में, यहाँ पर आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है लखनऊ की अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पर जो 1892 में जो हुआ था वो आपका हुआ था इलाहाबाद में, कहाँ पर इलाहाबाद में, इसका आपका दो हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा दो हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए जो 1905 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, 1905 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो वाराणसी वाला आपका आ रहा है यहाँ पर आपका फोर हो जाएगा। 1936 में कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था लखनऊ में हुआ था, है ना, और 1946 में हुआ था वो आपके मेरठ में हुआ था, तो इसका वन हो जाएगा और इसका तीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन बन रहे हैं वो आपके कौन से बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है 2-4-1-3, क्या बन रहा है 2-4-1-3 बन रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या पर दिया है 2-4-1-3 ऑप्शन, देखिए यहाँ पर आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए कर्मा जो आपका है, कर्मा जो आपका है ये आपके महोबा का है ना,
कर्मा जो आपका है ये आपके महोबा का आपका है। महोबा का है क्या भाई? कर्मा तो आपके पूर्वांचल का है भाई। कर्मा जो आपका है ये पूर्वांचल का है, पहला ही ऑप्शन गलत दिया गया है। धुरी आपके बुंदेलखंड का है, दीवार कहार के द्वारा है, नटवरी जो आपका है पूर्वांचल का है, ठीक है ना। ये जो आपका कर्मा है ये सोनभद्र मिर्जापुर साइड होता है, तो ऑप्शन ये गलत दिया गया है। अगला है कि कर्मा एक लोक नृत्य है। अब देखिए आपको दिया गया है आपका सोनभद्र नीचे दे दिया गया है, तो ऑप्शन बन जाएगा क्या आपका, ये नंबर हो जाएगा। अगला धुरिया लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो धुरिया लोक नृत्य आपके बुंदेलखंड से हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य जो आपका है वो कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए दुबिया राय सायरा मतलब इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का है, कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का है, तो आपके बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, जो कार्तिक है बुंदेलखंड का है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे। अगला पूछा गया है निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, चलिए बताइएगा कि कौन लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है 53 नंबर में, तो यह है आपका डांडिया नृत्य। क्या है? डांडिया नृत्य, देख सकते हैं डांडिया, ये आपके गुजरात का है, जबकि रवाल नृत्य, बड़ैया नृत्य, राय नृत्य आपके उत्तर प्रदेश से हैं। ऑप्शन बी जो आपका दिया है ये आपका उत्तर प्रदेश से नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं, जो वो भी कहाँ पर, आपके बुंदेलखंड से। अगला दिया है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, चरकुला जो आपका है कहाँ से है, तो आपके ब्रजभूमि से है। कहाँ से है? ब्रजभूमि, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं या पहले भी जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बार वीडियो का जो लाइक बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, है ना। सभी लोग यहाँ पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। देखो यहाँ पर ब्रजभूमि हो गया। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है, बताइए 55 नंबर में। चलिए 55 का ऑप्शन हो जाएगा आपके आगरा में की गई है। कहाँ पर? आपके आगरा में की गई। इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला है लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो देखिए राहुला का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बुंदेलखंड से है, ऑप्शन डी बुंदेलखंड हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो देखो चरकुला भी है, दादरा भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया जो कि आपका है झारखंड का है। कहाँ का है? मुरिया झारखंड का है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में से कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में से कौन से हैं, तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका दिया है चरकुला है, कर्मा है और पांडव है, ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है कौन सा भाई? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य या लोकगीत नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, देखिए 59 में क्या बनेगा। देखो बिरहा भी है, कजरी भी है, रसिया भी है, लेकिन डोला मारू जो आपका है ये नहीं है ना। डोला मारू राजस्थान में एक आपका है, तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यह राजस्थान से संबंधित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है 60 नंबर में, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो आपका है बिरहा है। क्या है? बिरहा, जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है ढोला, ढोला लोकगीत जो प्रसिद्ध है वो आपके कहाँ पर प्रसिद्ध है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय जो आपका है ये आपके कहाँ पर आपको है, तो देखो यहाँ पर आपका राजस्थान से जुड़ा हुआ है, आपका क्या उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, तो आप ही बताइए यहाँ पर जो ऑप्शन हो सकता है वो आपका कौन सा हो सकता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है। यहाँ पर देखिए जो आपका आगरा है और मेरठ है ना, आगरा और मेरठ हमने बताया राजस्थान से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर रहेगा ही पड़ोसी का, है ना, तो ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत हैं वो आपके कौन से हैं, तो यहाँ पर देखो दिया गया है दारुण औधी ब्रज, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लोकगीत, तो देखिए बिरहा चैती ढोला, है ना, बिरहा चैती ढोला, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको बताना है बिरहा का जो संबंध है वो आपके कहाँ से संबंधित है। बिरहा का संबंध देखिए आपके भोजपुरी से है, अर्थात भोजपुर हो जाएगा। कजरी का संबंध आपके अवधि से है, तो अवध हो जाएगा। मल्होर आपके ब्रजी क्षेत्र का है, ब्रजी हो जाएगा। और रसिया आपके कौरवी से है, तो आपका कौरवी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपके कूट हैं 63 नंबर में वो आपका ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आपका बनेगा, और 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन है देखते हैं कि नहीं है। 1, 2, 3, 4 देखिए ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो गया है। 1, 2, 3, 4 आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो आला दिया है आपके महोबा से है, रसिया कहाँ से? बरसाना से है, कजरी आपके मिर्जापुर से है, लेकिन यहाँ पर देखो दिया जाए कह रहा आपसे बिरहा दिया है कन्नौज से, तो भाई बिरहा कन्नौज से तोड़ो है, है ना, बिरहा आपके कन्नौज से नहीं है, पूर्वांचल से है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो गया, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है, 65 नंबर में दीजिएगा, 65 नंबर में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखो यहाँ पर आपसे दिया है देवा शरीफ का जो मेरा है बाराबंकी में लगता है, आहला आपके महोबा से दिया है, कर्मा जो आपका दिया है वो आपके सोनभद्र से होगा, कहाँ से? सोनभद्र से आपका हो जाएगा। कजरी जो आपके मिर्जापुर से है, तो ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में से सुमेलित नहीं है। देखो दिया गया है कजरी आपका दिया है बनारस, क्या दिया है? कजरी दिया है बनारस है, बिरहा दिया है कानपुर दिया है, और इसके बाद होली ब्रज दिया है, और आपका यहाँ पर नौटंकी हाथरस से है, तो देखो भाई यहाँ पर आपका कजरी कहीं ना कहीं पूर्वांचल में आपका ये बनारस सही है, बिरहा जो आपका दिया है क्या कानपुर से है क्या भाई?
बिरहा आपके कानपुर से नहीं है, पूर्वांचल से, इसका ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, अहला जो आपका दिया है बुंदेलखंड से दिया है, ये तो आपका सही है। बिरहा आपके पूर्वांचल से है, चैती आपके रुहेलखंड से है, कजरी आपका देखो अवध से दिया गया है, तो क्या कजरी अवध से है क्या भाई, ये कजरी अवध से थोड़ो है, मिर्जापुर साइड से है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे, अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो चलिए अब आप लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर आपका 68 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए 68 में देखिए, आला आपका है बुंदेलखंड से है, बिरहा आपके पूर्व उत्तर प्रदेश से है, कजरी देखो फिर रुहेलखंड दिया है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि कजरी जो आपका है मिर्जापुर साइड से है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। चैती जो आपका है अवध और भोजपुरी क्षेत्र से है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, देखो हारमोनिया वादक है आपके श्री राम श्रीवास्तव, है ना, यहाँ पर श्री राम श्रीवास्तव है। चलिए ब्रज जो आपका है रास नृत्य है, अर्थात रास नृत्य है। मिर्जापुर देखिए बिरहा दिया है, तो मिर्जापुर आपका पता है कि आपकी कजरी के लिए आपका है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। गायकी के लिए जो जाने जाते हैं वो मुबारक अली खां जाने जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। हाथरस एवं कानपुर परंपरा है, इनका संबंध किससे है, ये बताइए। हाथरस और जो आपका कानपुर है, ये किसके लिए आपके जाने जाते हैं, कौन सी परंपरा के लिए आपके जाने जाते हैं, तो चलिए यहां पर आंसर को लॉक करिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 70 नंबर में, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, रंगमंच से संबंधित है, किससे, आपके रंगमंच से संबंधित है, ऑप्शन आपका यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है, यहां पर बताइए जो आपके लच्छू महाराज हैं, क्या जो आपके लच्छू महाराज हैं इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है आपके कथक से है, किसे है, कथक से है, इसका 3 हो जाएगा। फयाज जो खान है, फयाज खान का जो संबंध है वो किससे है, फयाज खान का जो संबंध है वो आपके ध्रुपद गायन से है, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। सिद्धेश्वरी देवी, इसका जो आपका संबंध है किससे है, तो आपके ठुमरी गायिका से है, तो इसका ठुमरी हो जाएगा 4। और आपके लतल महमूद का जो संबंध है वो किससे है, लतल महमूद का संबंध जो आपका है वो किससे है, तो आपका आंसर में से क्या बनेगा, आपका आंसर में से क्या बनेगा भाई, जो बचा हुआ है आपका गजल, तो इसका 2 हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया यहाँ पर, आपका यहाँ पर ऑप्शन बना 3142, 3142, 3142 जो ऑप्शन है यहां पर आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा। यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहां पर 73 का ऑप्शन देना है। 73 की अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई यहां पर बिरजू महाराज का संबंध आपके कथक से है, आला आपके महोबा से है, अमजद अली खान का संबंध सरोद से है, लेकिन बिरहा का संबंध यहां पर कन्नौज दिया है, तो बिरहा का संबंध कन्नौज से तो आपका नहीं है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर, आपका डी नंबर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय हिंद। अगला बताइए निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है, कौन बनारस घराने से संबंधित है, यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर 74 का जवाब देना है। तो देखो यहां पर दिया है बेगम अख्तर, क्या दिया है यहां पर, दिया है बेगम अख्तर का संबंध कहां से है भाई, देखो मोतीबाई तो आपके यहाँ से हैं, मोतीबाई तो आपकी यहाँ से हैं, और इसके बाद रसूल भाई भी हैं, सिद्धेश्वरी देवी हैं, लेकिन बेगम अख्तर जो आपके हैं भाई, इनका संबंध अयोध्या से है ना, ये अयोध्या का इनाम, अर्थात ये जो ऑप्शन नंबर है ये आपका नहीं है, तो आपका बनेगा आपका 2-3-4 ऑप्शन बनेगा, 2-3-4 ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला। अगला है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो जन्म हुआ था ये किस शहर में हुआ था, चलिए इनका जो जन्म हुआ था ये किस शहर में हुआ था, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो देखिए भाई 75 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, आपके वाराणसी में हुआ था, कहाँ पर है, आपके वाराणसी पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया है, तो ठुमरी की उत्पत्ति कहां पर हुई है, आपके उत्तर प्रदेश में हुई है, ठुमरी सुगम और आकर्षक आपका है, तो दोनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी नंबर, 1 और 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा जो आपके रत्न दिए जाते हैं पुरस्कार, उनकी सूची आपको बताना है, यहां पर देखो दिया है उस्ताद विलायत खान, तो उस्ताद विलायत खान बताइए यहां पर क्या आंसर हो सकता है, उस्ताद विलायत खान से दिया गया 77 में, तो ये आपके सितार वादक हैं, क्या है सितार वादक, इसका 4 हो जाएगा। मास्टर फिदा हुसैन नारसी, मास्टर फिदा हुसैन नारसी का जो संबंध है वो आपके किससे है भाई, तो इसका संबंध किससे है, तो आपके हिंदी रंगमंच से है, इसका 3 हो जाएगा। सितारा देवी का संबंध किससे है, तो आपके कथक से है, तो इसका 2 हो जाएगा। जतिन भट्टाचार्य से क्वेश्चन आपका बनता है, तो यहां पर देख सकते हैं आपके सरोद से हो जाएगा, तो यहां पर आपका 1 हो गया। तो आपके पास ऑप्शन क्या बन रहे हैं, 4-3-2-1 बन रहे हैं, और 4-3-2-1 कहां पर है, ऑप्शन डी पर आपको दिया गया है, आंसर आपका हो गया डी नंबर। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहां पर देखो राजन साजन मिश्र ये जोड़ी है, इनके दोनों भाई हैं, है ना, ये दोनों क्या है, भाई हैं, जो कि टप्पा शैली के लिए आपके जाने जाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। ताज और बेग ये आपके ठुमरी टप्पा के लिए हैं, बड़ी मैना, यहां पर बड़ी मैना ये ठुमरी गायिका आपकी नहीं है, बड़ी मैना याद रखिए, बड़ी मैना का जो संबंध है वो आपका ठुमरी टप्पा से नहीं है, है ना।
ये आपका दिया है अंबाजी चतुर्वेदी, अंबाजी चतुर्वेदी आपके ध्रुपद से हैं। तो देखो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी सी वाला है ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पर सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए 79 में, तो 79 का ऑप्शन सी आपका इटावा घराना है। कौन है? इटावा घराना इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका जो आपका ये है वो आपका कौन सा है? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक, जो कि ऑप्शन क्या है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कितने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा क्या, किसने कर लीजिए, किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो देखो यहाँ पर बिंदादीन है आपके, उस्ताद दूल्हे खां हैं, इलियास खां हैं, लेकिन मेहंदी जो आपके हैं ये लखनऊ के सांस्कृतिक घराने से नहीं संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? बताइएगा किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? 82 ऑप्शन, तो 82 ऑप्शन जगह रहमुद्दीन खां है ना, किसने दिया था आपके रहमुद्दीन खां, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर रंग थिएटर के रूप में जो जाना जाता था वो किसे जाना जाता था? 83 ऑप्शन क्या होगा, तो 83 ऑप्शन हो जाएगा ये डी है, GPO लखनऊ। क्या है भाई? 83 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, GPO लखनऊ को जाना जाता है। किसके लिए? तो आपके रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये क्रांतिकारियों के समर्थन में विद्रोह भी आपका हुआ था, हमले की आशंका भी थी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो आपका है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान की अगर बात करें तो 84 ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। ऑप्शन बनेगा क्या आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है यहां पर जवाब देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा 85 में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है, ये आपके इलाहाबाद में है, क्योंकि मध्य लगा है, तो मध्य लगा है तो आपको जवाब देना है आपका इलाहाबाद बताना है, अर्थात प्रयागराज हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है? ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा जो पर्व समर्पित है वो किसके लिए समर्पित है? 86 ऑप्शन क्या होगा, तो आपके जो आपके व्यास है ना, व्यास जी को समर्पित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है 87 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यह आपके गोवर्धन में किया जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी, आपके मुड़िया पूर्णिमा का मेला है वो आपके गोवर्धन में किया जाता है। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर आंसर जो आपका है 88 नंबर में वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखो भाई आपका जो कौशाम्बी है यहाँ पर दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, प्रसिद्ध प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारी अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है वो आपके कहां पर लगता है? 89 का ऑप्शन देना है, 89 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई, देवा शरीफ जो कि बाराबंकी है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दियासलाय उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दिया सराय आपका बरेली में, कहां पर है? बरेली में। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर नंबर हो जाएगा। देखो हमारी सीरीज में क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे कि एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, ऐसी आपकी सीरीज है, बिल्कुल सरल आपके हलवा नहीं है कि देखो और भागते जाओ, है ना, तो चारों ऑप्शन को देखकर ही चलना पड़ेगा। यहां पर देखो दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए उद्योग और आपका केंद्र दिया गया है, ये उद्योग और केंद्र दिया गया है, बताइए भाई यहाँ पर जो दिया गया है कि लकड़ी का सामान जो मिलता है कहाँ मिलता है, तो आपके लकड़ी का सामान कहाँ मिलेगा भाई, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है यहाँ पर आपको बताना है कि लकड़ी का सामान कहाँ पर आपको मिलता है, तो ये आपको मिलेगा लकड़ी का सामान आपका हो गया वाराणसी चतुरली आपका 3 हो गया, खेल का सामान कहाँ मिलता है तो आपके मेरठ में, तो इसका 1 हो जाएगा, पीतल की मूर्तियां जो मिलती हैं वो आपकी मथुरा में मिलती हैं इसका 4 हो जाएगा, दिया सलाई आपके बरेली में इसका 2 हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन बन रहा है आपका 3142। देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, चलिए ऑप्शन नहीं लगा रहे हो और इसके बाद भी आंसर आपके आ रहे हैं तो आप लोगों से ज्यादा किसी की तैयारी नहीं है, समझ रहे हैं ना,
कि आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी है कि बिना ऑप्शन के देखे हुए आप लोग बिल्कुल से सही जवाब दे रहे हो। तो आप लोग एग्जाम हॉल में कभी भी किसी से नकल मत करिएगा, अपने पर विश्वास करिए। जिस दिन अपने पर विश्वास हो जाएगा तो ये समझिए सभी लोग गलत दिखेंगे, है ना। और जब सभी लोग गलत दिखेंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो 18 नंबर में देखो दिया गया है अलीगढ़, अलीगढ़ जो आपका है ताले के लिए जाना, सॉरी कहाँ पर गए, अलीगढ़ जाना जाता है ताले के लिए, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिरोजाबाद चूड़ी के लिए जाना जाता है, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुरादाबाद पीतल के लिए बर्तन के लिए आता है तो इसका 3 हो जाएगा। टांडा विद्युत घर करघा के लिए जाना जाता है तो इसका 1 हो जाएगा। तो भाई आपके ऑप्शन क्या बन गए, आपके बन गए 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका बी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है 19 नंबर में। चलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गोटे का जो कार्य होता है, गोटे का जो कार्य होता है लखनऊ और वाराणसी में होता है, पीतल की मूर्ति आपके मथुरा में मिल गई और ताला लेने कहाँ चले गए, अलीगढ़ में। अब बेंत और छड़ियां कहां मिलेंगी बताइए भाई, बेंत और छड़ियां मिलती कहां है, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है कि बेंत व छड़ियां कहां मिलती हैं। चलिए बेंत व छड़ियां मिलेंगी कहां पर बताइए भाई, डी नंबर आप लोग दे रहे हैं तो आप लोग बताइए बेंत और छड़ियां कहां पर मिलती हैं। बरेली, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर याद रखिए बहराइच नहीं होगा, बरेली होगा। क्या होगा, बेंत और जो छड़ी है वो आपके बरेली के लिए जाना जाता है, तो ये कारण से आपका डी नंबर गलत दिया गया था। अगला है सूची फर्स्ट को, सूची सॉरी यहां पर सुमेलित नहीं है, शहर और आपकी विशेषता सुमेलित नहीं है 20 नंबर में। देखो यहां पर दिया गया है वाराणसी संस्कृति और धर्म के लिए जानी जाती है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी दिया है औद्योगिक केंद्र और मुरादाबाद दिया है पीतल नगरी, तो इसका मतलब है कि जो आपका झांसी है ये आपका गलत दिया गया है। औद्योगिक केंद्र भाई यहाँ पर जैसे आपका कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इनको कह सकते थे लेकिन आज झांसी थोड़ो कहेंगे, तो इस कारण से सी वाला आपका गलत दिया गया है। अगला दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको करना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन आपके निजामाबाद में मिलते हैं, नोट करिएगा कहाँ मिलते हैं, काली मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं वो निजामाबाद में, तो इसका आपका बनेगा 4 नंबर, ठीक है। जो आपका चीनी मिट्टी के बर्तन है वो आपके खुर्जा में, इसका 2 हो जाएगा। पीतल के जो शिल्पाकृति है वो आपके मुरादाबाद में मिलते हैं, इसका 1 हो जाएगा। शीशा के जो शिल्पकृति है वो कहाँ मिलता है, तो आपका फिरोजाबाद में मिलेंगे, तो इसका 3 हो जाएगा। तो देखो कितने अच्छी तरीके से आप लोगों ने लगाया, यहाँ पर 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो यहाँ पर 4 2 1 3 देखिए ऑप्शन मिल गया है बी नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है बहुत डरावने क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है ना, सरल क्वेश्चन आपके हैं, बस आप लोग क्या हैं इनको सही से सीख जाओगे, ऑप्शन दिखाएंगे तो तुक्का मार के काम कर लोगे, ऐसे रट जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है कौन सुमेलित नहीं है, तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी दिया है नक्काशीदार कास्ट शिल्प के लिए, खुर्जा है मृतकार शिल्प के लिए, तो ये तो आपका सही दिया है, मेरठ आपके खेलकूद के समान ये भी सही दिया है, जसेला जलेसर जो दिया है ढलवा घंटियां हैं, तो ये बताइए भाई यहाँ पर जो आपका लखीमपुर खीरी है वो किसके लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है बिल्कुल सही है जो आपकी जनजाति शिल्प अर्थात जिसे शिल्प उत्पाद के लिए हस्त द्वारा निर्मित है, तो ये गड़बड़ी थी आपकी लखीमपुर में, यहाँ पर शिल्प उत्पाद होता है जो कि हस्त निर्मित होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ए नंबर गड़बड़ी था। आगे बताइए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, आपके सामने दिए गए हैं आपके 4, यहाँ पर देखिए नगर और आपके उत्पाद दिए हैं, नगर और उत्पाद दिया गया है, तो कह रहा है कि रेणुकूट, रेणुकूट जो जाना जाता है वो एल्युमिनियम का यहाँ पर कारखाना, इसका 4 हो जाएगा। ऋषिकेश जो आपका है ये आपके एंटीबायोटिक के लिए, इसका आपका 2 हो जाएगा। मेरठ जाना जाता है खेल के सामान के लिए, इसका 1 हो जाएगा। और अलीगढ़ में मिलेंगे ताले तो आप घर ले आइएगा, तो इसका जो बन जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, देखिए ऑप्शन भी आपके सामने मिल चुका है, ऑप्शन भी आपके सामने शर्मा जा रहा है, सभी ऑप्शन आपको मिलते चले जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। आगे बताइए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, केंद्र और उद्योग दिए गए हैं, केंद्र और उद्योग दिए गए हैं, यहां पर देखना है कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर मिलान करिए भाई, सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग यहां पर मिलान करिए। तो देखो दिया गया है कि आंवला जो जाना जाता है वो किसके लिए, तो ये जाना जाता है आपके उर्वरा के लिए, इसका 2 हो जाएगा। मोदी नगर जो जाना जाता है ये रबर के लिए जाता है, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो बाराबंकी है वो पॉली फाइबर के लिए, तो इसका 1 हो जाएगा। और कानपुर जो हो जाएगा वो विस्फोटक के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, विस्फोटक हो गया। तो आपका बन गया ऑप्शन क्या, 2 3 1 4 बन गया, 2 3 1 4 मिल गया, देखते हैं कहीं मिलेगा कि नहीं, 2 3 1 4 देखिए ऑप्शन मिल चुका है, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो चुका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना स्थित है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का जो कारखाना है ये कहां पर स्थित है 25 नंबर में। चलिए यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना है आपके बरेली में,
कहां पर है आपके, बरेली में, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है, आपका क्वेश्चन है 26 नंबर में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको सॉल्व करिए। फिरोजाबाद जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कानपुर जो जाना जाता है वो किसके लिए, तो आपके चमड़े के सामान के लिए, तो इसका 1 हो जाएगा। नजीबाबाद जो आपका है, नजीबाबाद ये किसके लिए जाना जाता है, नजीबाबाद आपके प्लाईवुड के लिए, इसका 4 हो जाएगा। और सहारनपुर जो जाना जाता है कागज की लुगदी के लिए जाना जाता है, तो इसका 3 हो जाएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेंगे वो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, देखिए ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए जो प्रमुख केंद्र है वो आपके कौन से हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में चमड़े के लिए जो मुख्य केंद्र है वो आपके कौन से हैं, यहाँ पर 27 नंबर में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा और कानपुर है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है, तो 28 में ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर आपके कानपुर में है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम जो स्थित है ये कहाँ पर है, तो ये आपके आगरा में है, कहाँ पर है, आगरा में है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग आपके धंधे दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखो दिया है 30 नंबर में, 30 का ऑप्शन क्या बनेगा, 30 का ऑप्शन देखिए मिलान करिए, तो देखो यहाँ पर दिया गया है आगरा आपके हो जाएगा किसके लिए, आगरा हो जाएगा पर्यटन के लिए, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका कानपुर है चमड़े के सामान के लिए, इसका 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है मेरठ आपके खेलकूद के लिए, तो इसका 2 हो जाएगा। और मुरादाबाद जाना जाता है धातुपात्र के लिए, इसका 3 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन बन गया है 4, 1, 2, 3, आपका 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, देखिए ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है। अगला बताइए उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए साथ साथ में, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक ही क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन तैयार भी हो रहे हैं, पूरा का पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। लाइक शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग आपका 31 का ऑप्शन जो बनेगा वो डी हो जाएगा, बरेली को जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या रहे, यहाँ पर बताना है कन्नौज इत्र का शहर है, फिर कन्नौज शहर के सभी निवासियों ने यहाँ इत्र का उद्योग है। यहाँ पर 32 वाले में जो ऑप्शन है वो क्या सही हो सकता है, तो पहला पॉइंट तो सही है और आर वाला कुछ ज़्यादा सही नहीं है ना भाई, हर घर में तो आपके निवासी नहीं, मतलब नहीं कर रहे होंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका पहला, इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज इत्र का शहर है, ये सही है, लेकिन सभी निवासी यहाँ पर इत्र ही नहीं करते हैं, है ना। कुछ तो पकौड़ी बेचते होंगे, कुछ तो फुल्की लगाते होंगे, है ना, और कुछ लोग जॉब करते होंगे, कुछ लोग पढ़ाते भी होंगे यूट्यूब से। चलिए निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए, 33 नंबर आपको बताना है, 33 नंबर आपका क्या हो जाएगा। कन्नौज जो जाना जाता है, कन्नौज ये जाना जाता है आपके इत्र और तेल के लिए, ये तो सही है, मिर्जापुर कालीन के लिए हो जाएगा। फिर दिया है मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है, लेकिन जो आपका आगरा है वो आपके आपके आगरा जाना जाता है भाई, चाकू और कैंची के लिए मेरठ है ना, यहाँ पर मेरठ होना चाहिए, और आगरा में पेड़ा पेठा ये कई चीज़ें प्रसिद्ध हैं। अगला बताइए यहाँ पर देखो दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है जिला और लोकप्रिय आपका यहाँ पर उत्पाद, कन्नौज आपके इत्र के लिए सही दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, ये भी सही है। चित्रकूट आपका है लकड़ी के खिलौने के लिए, ये भी सही है। प्रतापगढ़ दिया है भाई जो कि आपके आंवले के लिए है, किसके लिए, आंवला के लिए जाना जाता है, प्रतापगढ़ आंवले के लिए, है ना। जो अमरूद है आपके, अमरूद वो आपके इलाहाबाद में होता है, तो ऑप्शन डी वाला गड़बड़ दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दीजिए आपका 35 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए 35 नंबर का जवाब देना है। तो चलिए नोएडा जो जाना जाता है, नोएडा ये सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, पहला पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है, कहाँ भग रहा है भाई। चलिए पहला जो आपका है नोएडा सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी, ये भी आपका सही दिया है, सीतापुर प्लाईवुड के लिए है। नोएडा जो दिया है खेलकूद के लिए, भाई गलत हो गया, क्योंकि जो खेलकूद के लिए वो आपका मेरठ है, कहाँ है भाई, मेरठ है। वाराणसी जो आपका है वो आपका रेशम के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन सी गड़बड़ है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको चुनना है 36 नंबर में, कह रहा है कानपुर चमड़ा के लिए सही है, वाराणसी सीमेंट के लिए, वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं है, यहाँ पर जो गड़बड़ है भाई फूलपुर वगैरह होता तो हो जाता, ऑप्शन बी आपका गड़बड़ है, मेरठ आपके चीनी और सहारनपुर आपका कागज, ऑप्शन बी गड़बड़ है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, 37 नंबर आपको बताना है। 37 नंबर में ताला उद्योग अलीगढ़ है, कालीन भदोही में मिलेगी, चूड़ी आपके शाहजहांपुर में नहीं मिलेगी। चूड़ी कहां मिलेंगी भाई, चूड़ी कहां पर मिलेंगे बताइए भाई, चूड़ी के लिए जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है, चूड़ी के लिए जो जाना जाता है किसे जाना जाता है। चलिए सुहाग नगरी, फिरोजाबाद, यहां पर हो जाएगा क्या, फिरोजाबाद हो जाएगा, फिरोजाबाद इसका आंसर राइट हो जाएगा, फिरोजाबाद। अगला यहां पर देखो चिकन आपका कहां है, तो चिकन उद्योग आपके लखनऊ में, ये चिकन उद्योग वो वाला उद्योग नहीं है कि मुर्गी की दो टांगे होती हैं और एक गला होता है और चाकू से
हटा के उसे बिरयानी बना दी जाती है, तो वो चिकन नहीं है। ये चिकन कपड़े में सिलाई वाला है, ठीक है, ये चिकन है जो कपड़े में सिलाई करते हैं, डिजाइनिंग वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी वाला गड़बड़ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर बताइए जो चुर्क है, ये जो आपका चुर्क है वो किसके लिए आता है, तो आपकी सीमेंट के लिए है ना, सीमेंट हो गया तीन नंबर में। फिरोजाबाद, यहाँ पर क्या होता है, फिरोजाबाद में सुहागी लोग होते हैं, अर्थात यहाँ पर चूड़ियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पर फोर हो जाएगा। अलीगढ़ में है ना, अलीगढ़ में क्या होता है, बहुत चोरी होती है इसलिए ताला ले जाती हैं, सॉरी ताला कहाँ पर है, ऊपर है भाई, अलीगढ़ ताला नगरी, इसका आपका हो जाएगा वन नंबर। मेरठ आपका जो आपका है वो खेल के सामान के लिए, इसका दो हो जाएगा। तो तीन चार एक दो, भाई ये मत सोचना कि नहीं हमने जो बोला है कि नहीं वहाँ पर अलीगढ़ में बहुत चोर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई चोर रहते हैं, हमने वहाँ पर सिर्फ बताया है, ऐसे बोल दिया है, ठीक है ना, वो मिलान करने के लिए आपको याद रहे। तो तीन चार एक दो, नहीं तो भैया जो अलीगढ़ वाले हैं ना तो वो कहेंगे सर जी आप हमको चोर कैसे बोल दिए, हम तो सबसे ज़्यादा शुद्ध हैं, चाहे हो चाहे ना हो लेकिन बोल देंगे, है ना, इसलिए भाई चोर कोई नहीं है। चलिए तीन चार एक दो इसका ऑप्शन बनेगा, तीन चार एक दो ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर 39 नंबर में देखिए, 39 नंबर में तो ऑप्शन देखिए पहला दिया गया है, कह रहा आपसे टेराकोटा, टेराकोटा ये गोरखपुर आपका जाना जाता है, टेराकोटा गोरखपुर इसका दो हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने मिलेंगे आपके कहाँ पर, वाराणसी में मिलेंगे, इसका फोर हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलेंगे, चिन्हट में मिल जाएंगे, चिन्हट में इसका वन करिए। कांच का सामान कहाँ मिलेगा आपके, फिरोजाबाद में, इसको थ्री कर दीजिए। तो क्या बन गया आपका, दो चार एक तीन बन गया, दो चार एक तीन, दो चार एक तीन, देखिए ऑप्शन भी मिल गया है, यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है दादरी चुनार चुर्क डाला, ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं क्या उत्पादित करते हैं 40 नंबर में, तो 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सीमेंट उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं, सीमेंट उत्पादन करते हैं। और अगला दिया गया है फरुखाबाद जाना जाता है किसके लिए, फरुखाबाद जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, यहाँ पर 41 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 41 नंबर में अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखिए हाथ की छपाई के लिए, है ना, हाथ की छपाई के लिए ऑप्शन बनेगा डी नंबर। और अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है पारंपरिक कला शिल्प आपका है, यहाँ पर खुर्जा इसका दो हो गया है ना। इसके बाद यहाँ पर कास्ट के जो आपके हैं वो कहाँ पर बनते हैं आपके, तो कास्ट के जो आपके बनेंगे वो आपके सहारनपुर में, इसका फोर कर दीजिए। कास्ट पादुका ये पीलीभीत में, तो इसका थ्री हो जाएगा। और यहाँ पर जरी आपके बरेली में, इसका वन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भैया आपका बनेगा दो, और इसके बाद चार, फिर आपके तीन, फिर आपका एक, है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर आपका हो गया, ठीक है, दो चार तीन एक हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहाँ पर है, तो ये आपके रायबरेली में है, तो रायबरेली यहाँ पर दो हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है, तो भाई ट्रांसफार्मर बताइए कहाँ पर है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये आपके कहाँ पर है, झांसी में, तो इसका तीन हो जाएगा। कृत्रिम अंग का निर्माण आपके कानपुर में होता है, तो वन हो जाएगा। उर्वरक आपका कारखाना कहाँ पर है, फूलपुर में, तो आपका हो जाएगा दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। जो लोग यहाँ पर बिल्कुल न्यू है और जिन्हें नहीं मालूम है तो वो लोग स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो जो लोग जुड़े हैं लगातार पहले से, तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल घास फूस की तरह लग रही होंगी, बिल्कुल नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संस्थान और आपके यहाँ पर दिया गया है क्या आपकी उसकी स्थिति दी गई है, तो चलिए यहाँ पर मिलान करिए आपका क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है आपके, तो हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये आपकी कहाँ पड़ेगी भाई, ये पड़ेगी आपके वाराणसी में, तो इसका फोर हो जाएगा। भातखंडे कहाँ पर है भाई, भातखंडे आपके लखनऊ में है, तो इसका आपका थ्री हो जाएगा। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो आपके इलाहाबाद में है, इसका आपका दो हो जाएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी कहाँ पर है, तो आपके रायबरेली में, इसका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो चार तीन दो एक इसका बनेगा, है ना, स्क्रीन शॉट लीजिए, चार तीन दो एक, चार तीन दो एक ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है UPSIDC द्वारा विशिष्ट लोगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए, उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका सही स्थान आपका नहीं दिखाया गया है, तो इसकी पहचान करिए जहां पर आपका सही नहीं दिखाया गया है। तो चलिए पहचान करिए भाई, चलिए 45 नंबर में, तो देखो दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके कहां पर है, आपके लखनऊ में। अप्रैल पार्क आपके नोएडा में नहीं है, ये आपके कानपुर में है, इस कारण से भी आना गलत दिया है। प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी आपके उन्नाव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो अप्रैल पार्क आपके देख सकते हैं आपके कानपुर में, तो इसका तीन हो गया। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है आपके, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में, तो इसका फोर हो गया। और इसके बाद एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो आपका है ये आपके सहारनपुर में है, इसका दो हो जाएगा। और लेदर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, उन्नाव में है, तो इसका वन हो जाएगा।
हमने आपको फिर से बोल दिया है, जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें, है ना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो बनेंगे, अगर दो क्वेश्चन आ जाते हैं और इसी प्रकार से, तो आपके कितने हो जाएंगे, 8 क्वेश्चन बन गए। दो क्वेश्चन अगर मिलान करने वाले आते हैं तो समझो 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे और 8 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, है ना। तो आप यहाँ पर हो गया 3421, देखिए ऑप्शन क्या मिल गया है, यहाँ पर आपका ये नंबर है मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो एग्रो पार्क स्थापित किए जा रहे हैं वो आपके हापुड़ में, इसके बाद लखनऊ में, आपके आगे सहारनपुर में और इसके वाराणसी में, मतलब सभी जगह एग्रो पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना, तो आपकी ग्रेटर नोएडा में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्या सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में निर्योतात्मक सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए देखो भाई, आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक करना शायद भूल गए हो, तो चलिए हम आपको याद दिला देते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्लास लेना है ना, मतलब लाइक करने के लिए जरूर याद दिलाना पड़ता है। आप लोग हनुमान जी हैं, क्योंकि आपको अपनी शक्ति का एहसास भी नहीं होता है ना, अपने आप को भी एहसास नहीं होता कि नहीं हाँ हम क्लास ले रहे हैं और क्लास में डेली कुछ सीखते हैं। तो चलिए भाई, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं और भूल गए हैं कि हमने लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों के देखो क्लासे हम आपको दे भी रहे हैं, तो जितने लोग यहाँ पर हैं लाइक करने वाले, भाई लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है उत्तर प्रदेश में निर्यातोत्मक सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, 49 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, नोएडा और कानपुर में। ऑप्शन यहाँ पर जिसका आ रहा है ए नंबर है राइट हो जाएगा, नोएडा और कानपुर में। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर पार्क तथा बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो आपका अवस्थित है कहाँ पर है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नोएडा में है। कहाँ पर है, नोएडा, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, चलिए बताइए 51 नंबर में सभी लोग जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है 51 में। चलिए जवाब देते रहिए भाई, 51 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कह रहे हैं प्रयागराज बनेगा, भाई प्रयागराज जो आपका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, इलाहाबाद इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क स्थापना की जाएगी। आगे बताइए निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है, 52 का जवाब दीजिए, विज्ञान नगरी जो अवस्थित है कहाँ पर है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए विज्ञान नगरी यहाँ पर लखनऊ ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो आंसर है बिल्कुल सही है आप सभी का, लखनऊ बिल्कुल जो सही है, लखनऊ बनेगा भाई, नोएडा नहीं होगा, यहाँ पर लखनऊ होगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से एक नॉन CMIR संस्था को जो लखनऊ यूपी में स्थित है उसकी पहचान करिएगा, यहाँ पर 53 नंबर में, तो ये जो आपकी है IISR जो संस्था है ये आपके लखनऊ में है, इसका ऑप्शन ए बनेगा। अगला केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे का जो अनुसंधान है ये कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 54 जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब देना है, सभी साथियों को जवाब देना है 54 नंबर, 54 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये जो आपका केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधे का अनुसंधान है वो कहाँ पर है, लखनऊ, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लखनऊ वाला ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौर रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर चिकित्सा और गौर रक्षा अनुसंधान 55 में, ये है ऑप्शन डी आपके मथुरा में है, कहाँ पर है, मथुरा में बनेगा भाई, झांसी नहीं है, यहाँ पर आपका मथुरा है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारतीय चारा का अर्थात, आप लोग आगे चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग झांसी वाला जो आंसर दिए हैं वो आगे वाले का दिए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, झांसी इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना, नंबरिंग डालते रहिए तो भाई पता चलेगा। यहाँ पर केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान कहाँ पर है, केंद्रीय सिरेमिक अनुसंधान जो आपका है कहाँ पर है, चलिए 57 नंबर में, ये आपके खुर्जा जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला है उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है, चलिए काउंसिल आपको दिया गया है यहाँ पर 58 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके शाहजहांपुर में काउंसिल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शाहजहांपुर में हो जाएगा, है ना, मतलब इसे परिषद भी बोलते हैं, काउंसिल को ही परिषद कह देते हैं, तो आपका जवाब शाहजहांपुर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है, उत्तर प्रदेश में आलू का जो अनुसंधान केंद्र है वो आपके कहाँ पर है, इसका जवाब दीजिए। चलिए 50 नंबर का ऑप्शन देना है, आप सभी को जवाब देना है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब लगभग आ चुका है, ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ नहीं है भाई, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका मेरठ बनेगा भाई, जो आपका जवाब है यहाँ पर बी नंबर, इसका मेरठ बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है ये कहाँ पर है, 60 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी नंबर दिया है लोगों ने, यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा, क्या लखनऊ हो जाएगा। अगला है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है, इसका जवाब दीजिए, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है, 61 नंबर में,
तो ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है आपके लखनऊ, इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, लखनऊ इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 63 नंबर में आपसे दिया गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कब से आपसे IIVR लखनऊ दिया है, IIPR कानपुर है, IVRI आपकी इज्जत नगर में है और IGFRI ये आपके झांसी में है। यहाँ पर आपसे कह रहा है सुमेलित नहीं है 63 नंबर में, तो क्या सुमेलित नहीं है, IIVR कहाँ पर है, चलिए बताइए भाई इसका जो आंसर बनेगा आपका राइट क्या हो जाएगा, IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये आपसे है। तो ये आपके भैया कहाँ पर है, झखनी कहीं जगह पड़ती है कोई झखनी, वेजिटेबल आपका वाराणसी हो जाएगा, मतलब पहला पॉइंट गड़बड़ है भाई, पहला पॉइंट जो आपका दिया है गड़बड़ है, क्यों, वेजिटेबल तो हमने आपको पढ़ाया था, वेजिटेबल जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, वाराणसी में है, तो पहला पॉइंट गलत हुआ। और इसके बाद जो ये कानपुर ये आपका, ये तीनों आपके सही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान है, तो सब्जी अनुसंधान उसी को जो हमने इसके पहले पढ़ा था उसी को ये फुल फॉर्म आपका है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाराणसी, क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। अगला है डीजल लोकोमोटिव वर्क ये आपके वाराणसी अब बनाता है, प्रदान करता है, क्या बनाता है भाई, जो डीजल लोकोमोटिव वर्क है ये अब क्या बना के आप लोगों को देता है 65 में, ये देता है आपका डीजल और बिजली इंजन दोनों अब देने लगा है, यहाँ पर आपसे दे भी दिया है, अब जो बनाता है वो क्या प्रदान करता है, अब जो बनाता है ना, क्योंकि लगभग आपको जो डीजल वाले थे वो तो आपका काम बंद हो गया है ना भाई, डीजल से चलने वाले जितना सिस्टम था वो धीरे बंद हो रहा है, इलेक्ट्रिक वाला जमाना आ गया है, तो इस वजह से अब क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा 65 में, ऑप्शन सी अब यहाँ पर लगा भी दिया है तो आपको संकेत दिया गया था तो सी लगाना है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 66 नंबर में बताइए कौन नहीं सुमेलित है, कह रहा है डीजल लोकोमोटिव वर्क, ये कहाँ पर आपके है, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी है, सही दिया है। इंडियन टेलीफोन आपके नैनी में है, सही दिया है। मॉडर्न बेकरी आपके कानपुर में है, भाई ये लखनऊ में आपका नहीं है, कानपुर में है, तो आपका सी गलत दिया है। तेल शोधन कहाँ पर है, मथुरा में, तो आपका ये सही दिया गया था। ठीक है, अगला बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 67 में बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है 67 नंबर में। चलिए तो 67 की अगर बात करें, स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरी आपके कानपुर में हो गई, सीमेंट कारखाना देखिए फूलपुर में है, ये आपके बरेली में तो नहीं है, है ना, इसका आपका गलत हो गया। उर्वरक कारखाना आंवला है, तो यहाँ पर सी वाला आपका गड़बड़ दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में बताइए कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर अवसर का जवाब दीजिए। चलिए भाई लाइक शेयर का ध्यान देते रहिए भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं फटाफट, है ना, सभी लोग यहाँ पर लाइक को जरूर बटन दबाया करें, सभी लोग जुड़ते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए और ज्ञान लेते रहिए। देखो 68 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या मिलेगा, यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, बी नंबर आंवला, इफको यूरिया जो आपके है कहाँ पर, आंवला जो कि बरेली में है, और इसका ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए जितने लोग यहाँ पर लाइक का बटन दबाते हैं तो लाइक के बटन से ही आशीर्वाद निकलता है, याद रखिएगा आशीर्वाद जो निकलता है वो किससे निकलता है, लाइक के बटन से ही निकलता है, तो जितने लोग ज़्यादा बार लाइक करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा आशीर्वाद निकलेगा। चलिए और लाइक के बटन से ही निकलेगा। चलिए ऑनलाइन भाई हम बोल दे रहे हैं लेकिन लाइक का बटन तो आप लोग दबाएंगे तभी तो आपका आशीर्वाद मिलेगा वहां से। चलिए कह रहा है कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखो आपका तेल शोधन आपके कहां पर है, मथुरा में है। ठीक है, उर्वरक संयंत्र आपके फूलपुर में है, लखनऊ में तो आपका है नहीं है, है ना। अरे एक वीडियो में एक ही बार लाइक करिएगा, ज़्यादा बार लाइक करेंगे तो भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, एक वीडियो में एक बार ही लाइक करना है और एक क्लास में लाइक करना है। चलिए देखिए आपका ये तो गड़बड़ हो गया, कालीन उद्योग भदोही में, एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पर है, सोनभद्र में है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, चलिए उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है 70 में, तो ये है आपके मथुरा में है, कहाँ पर है, मथुरा में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे, यहाँ पर बताइए कहाँ पर किया जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा 71 में, ऑप्शन बी आपके जायस में, कहाँ पर आपके जायस में, इसका जो ऑप्शन है जायस बनेगा भाई। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 72 नंबर में बताइए क्या नहीं सुमेलित है, तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कह रहा है आपके मेरठ में है। चलिए बताइए लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, तो भैया ये आपके मेरठ में नहीं है, लखनऊ में है ना, ये लखनऊ में है, तो पहला पॉइंट आपका गलत दिया है,
पिकअप जो आपका है लखनऊ है, राज्य चर्म आपके आगरा है और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहां पर है, तो आपके कानपुर में। पहला पॉइंट गड़बड़ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 73 का ऑप्शन क्या बनेगा? 60 में की गई थी। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1960 में की गई थी। 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? और ये किसके तहत हुई थी, तो अधिनियम 56 के तहत हुई थी, अधिनियम 56 के तहत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित है? 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ, जिसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे योजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? यहाँ पर देखो दिया गंगा एक्सप्रेसवे, और बताइए कि जो भाई गंगा एक्सप्रेसवे है वो किस किस शहर के बीच आपका होगा, इसका जो संपर्क होगा वो किस किस के बीच होगा, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो भैया मेरठ से आपका प्रयागराज आपसे दे रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्या भाई? चलिए ऑप्शन के अनुसार बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए नोएडा और गाजीपुर, क्या हो जाएगा? नोएडा और गाजीपुर, यहाँ देखिए ऑप्शन डी वाले में, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है डी नंबर है, आपका नोएडा और गाजीपुर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नोएडा और गाजीपुर, कभी कभी ऑप्शन के अनुसार तुक्का भी लगा लिया करें। थोड़ा सा कह सकते हैं क्या कि जब गाजीपुर दिया है, गाजीपुर दिया है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि लगभग आपका एवरेज में पहुंचा करें, कि अगर मान लो ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है मेरठ, मेरठ और आपका प्रयागराज, तो गाजीपुर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से जो पढ़े हैं बिल्कुल सही है, मेरठ से लेके क्या प्रयागराज आपका होगा, मेरठ से प्रयागराज ऑप्शन बना लीजिए, क्या दिक्कत है आपका है, ठीक है, बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? चलिए यहाँ पर बताइए, दिया गया है क्या भाई ऑप्शन बी नंबर में, गाजियाबाद इलाहाबाद, गाजियाबाद इलाहाबाद, हाँ यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन बनेगा भाई, गाजियाबाद इलाहाबाद वाला बन जाएगा जब तुक्का लगाएंगे तब, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बताइए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर जो आपका 2 नंबर है उसका राइट आंसर क्या बनेगा, 300 बनेगा या और कौन सा बनेगा? चलिए यहाँ पर आपका लगभग 300 आपका बनेगा, ऑप्शन लगभग आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है, यमुना एक्सप्रेसवे जो आपका है कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए कभी कभी एग्जाम में भी होता है ना कि 302 की जगह 300 आ जाता है, 303 भी आ जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत तो क्या है ऑप्शन के अनुसार मार सकते हैं। यहाँ पर बताइए, यमुना एक्सप्रेसवे जो आपका है कहाँ से कहाँ के लिए है? तो 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा से आपके आगरा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? ये आपका नहीं गुजरेगा आपसे पूछेगा, और देखो 9 शहरों के साथ जुड़ता हुआ ये नक्शा आपका है, अर्थात यहाँ पर फोन नंबर की अगर बात करते हैं तो देखो भाई ये जो आपका है 341 किलोमीटर लंबा आपका है लगभग, है ना। और यहाँ पर जो आपका है फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, लेकिन जो आपका बस्ती वाला दिया गया है, जो आपका बस्ती वाला दिया है ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन जो बनेगा आपका बी नंबर। ये 9 जिलों में लखनऊ होते हुए बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होने वाली जो गाड़ी है वो आपके सामने है, तो जिन्हें यहाँ पर जाना है तो आ जाइए भाई, यहाँ पर ऑप्शन बी बस्ती। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भाई, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, तो जो भाई ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर किया जा रहा है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध नगर जनपद, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, आगरा मत लगाइएगा, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर लगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिए, चलिए देखिए आपका 6 को ऑप्शन जो होगा वो आपका सी नंबर फुर्सतगंज, है ना, कहाँ हो जाएगा, ये फुर्सतगंज में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ये जो लखनऊ है, लखनऊ में कौन हवाई अड्डा है, लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? तो भैया यहाँ पर देखो लखनऊ में अमौसी है, तो इसका आपका 3 हो जाएगा, है ना। वाराणसी में बाबतपुर हो जाएगा, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। कानपुर में चकेरी है, तो कानपुर में चकेरी करिए। और आगरा में खिरिया है, तो आगरा में खिरिया करिए। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ढूंढ लीजिए,
तीन एक चार दो ऑप्शन मिल गया है डी नंबर। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो कानपुर में चकेरी है, वाराणसी में बाबतपुर है, लखनऊ में अमौसी है, लेकिन आपके आगरा में भैया खेरिया है। कहाँ है? खेरिया है। ये फुर्सतगंज वाला अभी हमने बताया था रायबरेली है ना, तो यहाँ पर जो आपका आगरा में है वो आपका खेरिया है। ऑप्शन डी आपका गड़बड़ हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। 9 नंबर में तो भैया देखिए राष्ट्रीय मार्ग जो 2 है आगरा से जाएगा, वाराणसी से जाएगा, आपके वाराणसी इलाहाबाद से जाएगा वाराणसी से, लेकिन लखनऊ से ये नहीं जाता है। अगला जीटी रोड नहीं गुजरती है, जीटी रोड नहीं गुजरती है, तो देखो आपके इलाहाबाद से, आगरा से, मुगलसराय से, अलीगढ़ से नहीं जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के जो गलियारे हैं ये कहाँ पर मिलते हैं, ये जो आपके मिलते हैं कहाँ मिलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर में जो ऑप्शन है आपका बी आपके झांसी में मिलते हैं। कहाँ पर? आपके झांसी में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? हापुड़ है ना, हापुड़ जो आपका है ये सबसे छोटा है। तो ये बताइए सबसे बड़ा जिला आपके कौन सा है यूपी का, यूपी का सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन होगा, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा ये बताइए, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? खीरी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। अगला है 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है भैया? आपकी उत्तर प्रदेश में होगी। ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। यहाँ पर 3 नंबर में देखते हैं क्या कथन सही दिया है। तो इस विधेयक का उद्देश्य है कि 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम कर देना है, ठीक है, और इसके बाद वर्तमान राज्य में प्रजनन दर जो आपकी है वो 2.7 प्रति हजार है। तो दोनों ही पॉइंट जो आपके हैं ये आपके सही दिए गए हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि 2021 के आपके संदर्भ में आपको दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का जो प्रतिशत है वो कितना है, कार्यबल का परसेंटेज बताइए कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 4 का ऑप्शन है आपका बी नंबर 23.7%, 23.7% ऑप्शन होगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर में नहीं आता है। बताइए उत्तर प्रदेश में कितने मिलियन शहर हैं? आपको पढ़ाया गया था कि 7 आपके ऐसे हैं जहाँ पर मिलियन से ज़्यादा हैं। तो आपको भैया यहाँ पर देखिए आपका आगरा है, प्रयागराज है, मेरठ है, मुरादाबाद है, तो आपका जो ऑप्शन डी नंबर आपका मुरादाबाद है इसमें आपका नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। जब क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है तो आप कह सकते हैं सर कि भैया यहाँ पर जो आपका पहला स्थान आपकी किसका है, तो सॉरी उत्तर प्रदेश का जो आपका स्थान है वो आपका चौथा है। कैसा है? चौथा है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका डी हो जाएगा। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 में से 2011 में जो वृद्धि हुई है वो कितने % वृद्धि हुई है। तो भैया साक्षरता में पूछा है तो साक्षरता में आप कहेंगे कि 11.45% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर क्या रही है। तो साक्षरता दर आपसे पूछे तो आपको बताना है यहाँ पर 67.68 ये आपकी क्या है, आपकी साक्षरता है। अगला है यहाँ पर विचार करिए, चलिए उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में से वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, समगति नहीं रही है। तो यहाँ पर देखो आपके जो पॉइंट आपके हैं वो आपके दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके इसके अनुपात के हिसाब से बता रहा है कि नहीं महिलाओं के संगति रही है, तो ऑप्शन इसका जो आपका बी नंबर है ये दो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं जो आर है आर ये इसके अनुसार ये पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके अनुसार ये पालन नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कि वो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम जो साक्षरता दर वाला जो जनपद है वो आपका कौन है। तो उच्चतम साक्षरता दर वाला जो जनपद है बताइए 10 नंबर में क्या बनेगा। यहाँ पर आपका जो उच्चतम साक्षरता दर वाला जो जनपद है आपका कौन सा है, आपका जवाब क्या बनेगा यहाँ पर? आपका बनेगा गौतम बुद्ध नगर। क्या बनेगा? गौतम बुद्ध नगर बनेगा। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ये नंबर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, और इसके बाद आपका कानपुर होता है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिले आपको और वही क्रम में आपको बताना है। तो 11 नंबर में बताइएगा गौतम बुद्ध नगर हो गया, फिर कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका नंबर मिल चुका है, पहले जो आपका है गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा।
अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक रही है। तो चलिए 12 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा भाई। कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक रही है, तो आपके गाजियाबाद, अभी आपने पढ़ा कहाँ पर, गाजियाबाद, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर दर है, तो सबसे कम महिला साक्षर कहाँ है, आपके रामपुर में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, आपके रामपुर में हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो महिला साक्षरता दर अभी आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, महिला साक्षरता दर जो आपकी सबसे कम है वो आपकी कहाँ पर है। चलिए सबसे कम महिला साक्षर यहाँ पर भी पूछा है, तो महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है इसका जवाब दीजिए, श्रावस्ती हो जाएगा भाई, इसका जो आंसर होगा श्रावस्ती ऑप्शन जो होगा वो आपका सी नंबर है। दोनों में भाई अंतर क्या है ये बताइए, दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या था। अच्छा इसमें अंतर ये था कि भाई उसमें ऑप्शन नहीं था, उसमें भाई ऑप्शन नहीं था क्योंकि नंबर एक में तो ये आपका श्रावस्ती होगा ना, इसके बाद रामपुर आता है, इस कारण से आपका सी नंबर श्रावस्ती होगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्न साक्षरता अंकित की गई है, निम्न साक्षरता अंकित की गई है, तो देखो आपके श्रावस्ती में, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, हाँ याद आ गया, कभी कभी भूल जाते हैं, हम भी दिमाग में नहीं आता है, जैसे भी वो साक्षरता वाले में जो आपका गौतम बुद्ध नगर है वो कानपुर है ना, जो किताब हम पढ़ा रहे हैं उस किताब में पता है कानपुर नगर को सही किया गया था, क्यों, क्योंकि भैया हर एक चीज़ में क्या होता है, कानपुर आपका साक्षरता में होता है, ऑप्शन कभी गौतम बुद्ध नगर दिया नहीं होता है, तो क्या होता है वो लोग कानपुर को सही कर दिए हैं, है ना, तो भैया ऐसे दिमाग में चढ़ गया था हमारे कि ये ऐसा हुआ क्यों। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए भाई आंकड़े कौन आपके गड़बड़ हैं देख लेते हैं। 16 नंबर में कह रहा है देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का परसेंटेज 18.5 है, ये बताइए कि 18.5 है क्या जनसंख्या जो आपका 18.5 है क्या, आपको पढ़ाया गया 17.5, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। प्रति वर्ग घनत्व जो आपका 829 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है वो आपके 20.23 हो जाएगी। महिला साक्षरता 57 है, तो ऑप्शन ए नंबर आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है 17 नंबर में। तो देखो भाई आपका जो 71 से 81 वाला है, 61 से 81 वाला कौन सा बनेगा भाई, 71 से 81 वाला बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 71 से 81। जब 71 में हुआ था बांग्लादेश के जो शरणार्थी आ गए थे, है ना, बांग्लादेश के जो शरणार्थी आए थे तभी तो आपका हुआ था भाई, क्यों भाई यहाँ पर जो आपका 17 नंबर है जो बांग्लादेश के शरणार्थी आए थे वही तो आपका होगा या 61 से 71 होगा पता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी, राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी, डी नंबर आपका होगा 71 से 81। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही 18 नंबर में, तो 18 का ऑप्शन देखिए ये तो आपका हो जाएगा 91 से लेके 2001 वाला, इनमें से आपकी रही थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सन 2001 और 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वो कितनी रही, यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाएगा 20.09, क्या 20.09 आपका हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार पुरुष महिला का अनुपात जो आपका है लिंगानुपात वो कितना है, 20 नंबर में लिंगानुपात कितना हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा आपका 912:1000, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक जो रूप से घटा था ये घटा था कब घटा था ये आपसे पूछा है, तो आपके 91 से 2001 में, ठीक है 91 से 2001 में जो अनुपात रहा था वो घट गया था, पहले इक्वल चल रहा था लेकिन फिर ये यहाँ पर विभेद आपका सर्वाधिक रूप से घटा था। अगला यहाँ पर है 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, 22 नंबर में, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा इनमें से आजमगढ़ है, कौन है आपका इनमें से आजमगढ़, इसका हो जाएगा 2001 दिया है भाई, इसमें से क्या दिया है 2001 दिया है, 2001 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा है, रुकिए यहाँ पर ये गड़बड़ी दी है, यहाँ पर 11 कर लीजिए भाई, ठीक है इसको जबरदस्ती आप क्या करिए 11 कर लीजिए, इसमें जौनपुर लगा दीजिए, कौन लगा देंगे यहाँ पर जौनपुर लगाइए, इसको 11 करके जौनपुर लगा दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर गड़बड़ी है 2000 यहाँ पर 11 करके इसको जौनपुर कर लीजिए, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए 10 से 24 यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, अरे थोड़ा बहुत सुधार कर लिया करो, इतना तो आप लोग समझदार हो गए हो। चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर में जनगण, अरे करिए कभी कभी सर को याद ना आए तो आप लोगों को पढ़ाया गया है तो आप लोग आराम से बता भी सकते हो ना, सर के भरोसे थोड़ो रहना है, हर चीज़ अब मैं सर के भरोसे रहोगे क्या।
देखो यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रफल में भारत का चौथा बड़ा राज्य है। चलिए ये पॉइंट तो आपका सही दिया गया है ना, ये पॉइंट जो आपका है सही दिया गया है, क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है। अच्छा, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है, तो भाई अधिक तो नहीं है भाई, है ना, यहाँ पर ये कमी है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो यार राष्ट्रीय औसत से कहीं ना कहीं कम है, तो भैया यहाँ पर आंसर क्या सही किया जाएगा, यहाँ पर जो सही किया जाएगा वो क्या सही हो सकता है, यहाँ पर बताइए देश की जनसंख्या। अरे तभी तो बोल रहे हैं कि ये आपका गलत हो जाएगा, ये तो आपका गलत है, तो पहला तो सही है, इसके बाद इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। हाँ बिल्कुल सही है कि ये कम है ना, राष्ट्रीय औसत से कम है, मतलब ऑप्शन इसमें आपके सही नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है कि नहीं है, कम है कि नहीं, कम है, तो इसका मतलब ये जो आपका सही कोड पूछा गया था तो ये वाला पॉइंट सही है, तो हम लोग एक निकाल लिए। यहाँ पर 17.5 होगा तो इसका ये गलत है, यहाँ पर दिया है औसत से अधिक है तो ये गलत है, और ये सही है तो 1.4 होगा, मतलब इसमें जो आपका है ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसमें जो ऑप्शन है वो आपका नहीं दिया गया है, क्लियर है भाई, ये वाला पॉइंट आपका ऑप्शन सही नहीं दिए गए इसलिए गड़बड़ हो गया है। रुकिए 16.5 तो ऑप्शन भाई गड़बड़ है क्या, कहीं पर गड़बड़ है कोई ऑप्शन, 1, 2, 4 ऑप्शन इसमें सही नहीं है भाई, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है, 1, 2, 4 कर लीजिए, ठीक है, इसमें ऑप्शन सही नहीं है, 1, 2, 4 कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ दिए हैं इसलिए गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा अरे जब ऑप्शन गड़बड़ है तो हमने बोल तो दिया बी नंबर सही, मतलब 1, 2, 4 कर लीजिए। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो भारत की जनसंख्या की कितनी आपकी थी 24 नंबर में, तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16.16 हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं यहाँ पर 25 नंबर में, तो आपके यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, तो इनमें से बताइए कौन कौन शामिल किए गए हैं, यहाँ पर 26 नंबर में कौन कौन शामिल किए गए हैं, तो आपका जवाब वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या अयोध्या, क्या जवाब बनेगा। यहाँ पर देखिए जो आपका पहला दिया गया है वाराणसी, और यहाँ पर जो दिया गया है मथुरा, ये आपके जो आपका हृदय योजना आपकी है विरासत शहर योजना है, तो इसमें से आपके हैं तो 1 और 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ही नगर बने थे, 10 लाख ही नगर बने थे, ये कब बने थे 27 नंबर में, तो ये बने थे कब, यहाँ पर बताइए 27 नंबर में, ये आपके 1971 में और 1981 में, मतलब जो आपका कानपुर है 1971 में 10 लाख हो गए थे, लखनऊ में 1981 आपके हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया है 2011 के अनुसार अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम आपकी है, तो यहाँ पर बताइए कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, ये आपके इलाहाबाद में होगी, ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर इलाहाबाद हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, तो महिला आबादी कुल आबादी का कितना है, लगभग 48% है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। और इसके बाद दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उत्तर प्रदेश के लिए जो सही नहीं है उसको आपको जवाब देना है, जो सही नहीं है उसको जवाब देना है। यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। चलिए अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है, क्या भाई शहरी वाले थोड़ो है, तो ये गलत हो गया। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं, तो आपका ये भी होगा, ऑप्शन बी नंबर आपका गलत दिया। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण किया है, वन को ऑप्शन देना है, आपका राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण किया है, वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए वन का ऑप्शन यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही है आपका शिवनंदन नौटियाल, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि महान नायिका लता मंगेशकर ने अपना लता मंगेशकर ने अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी जो संबंधी थे, तो याद रखिएगा जो लता मंगेशकर थी इन्होंने अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी जो संबंधित थे किससे, तो ये संबंधित थे आपके भिंडी बाजार घराना से, कहाँ से, भिंडी बाजार घराना, इसको ऑप्शन जो है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी,
1972 देखिए, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आपका है, 1972 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है, 4 नंबर में। तो ये आपके लखनऊ में है, कहाँ पर है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर है, आपके लखनऊ में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कलाकार और उससे संबंधित जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर 5 का जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है, आपसे किशन महाराज का जो संबंध है आपके किससे, तबला से है। कुदाव सिंह का संबंध किससे है, तो भैया जो कुदाव सिंह आपके हैं ये आपके सितार वादक आपका नहीं है, वहीं पर श्रीमती एन राजम जो आपके वायलिन है, बिस्मिल्ला खां आपके सहनाई है। तो भैया याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी नंबर आपका कुदाव सिंह आपके सितार से आपके नहीं है, ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद का अजारड़ घराना निम्नलिखित में से किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जनपद का अजारड़ घराना किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, 6 नंबर में। तो 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तबला वादन से, किससे है, तबला वादन से ही इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सर्च भी कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। 3 ऑप्शन तो आपको समझ में आते हैं ना कि 3 ऑप्शन है कौन, जब नहीं आया चौथा तो वही आंसर हो जाएगा भाई, 3 आपको आ रहे हैं और 1 नहीं आ रहा है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, तो आपके कहाँ पर है, तो आपके कुशीनगर, इसका ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिंदी को कब से प्रदेश के कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिंदी को कब से प्रदेश के कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है, कब से भाई, आपका जवाब क्या हो जाएगा, 68 से या 50 से, कुछ लोग 50 दे रहे हैं, 50 नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1968 से, क्या हो जाएगा, 1968 इसका आंसर बनेगा, आपका जो आंसर है डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा का गायन मुख्य रूप से किया जाता है, ये जो आपका बिरहा है इसका गायन मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है, 9 नंबर में। चलिए 9 को ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, भोजपुरी भाषा में, बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पर, भोजपुरी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में देश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है। चलिए बताइए हाल ही में देश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है। यहां पर 10 ऑप्शन में से बताइए क्या हो जाएगा, 10 का जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 10 का जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है, आज के क्लास में मजा नहीं आ रहा है क्या भाई, है जो उन्हें क्लास एग्जाम में क्वेश्चन फंसना है वो क्लास पढ़ते नहीं है लोग, तभी तो फेल होते हैं, कहाँ से दुआ लगेगी। कहते हैं सर जी आशीर्वाद दे दीजिए, जब जिस दिन पेपर होता है तो कहें आशीर्वाद दे दीजिए सर जी हम पास हो जाएंगे, ऐसे पास हो जाओगे, पढ़ने वाली क्लास पढ़ते नहीं हैं और काकावारी वाली क्लास पढ़ते रहते हैं, जो क्लास पढ़ना है वो चीज़ छोड़ देते हैं लोग, बाद में कहते हैं यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती है, यूट्यूब वाले अच्छे पढ़ाते नहीं हैं, जो चीज़ अच्छी होती है वो चीज़ पढ़ना ही नहीं चाहते हो। चलिए हाल ही में देश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है, 10 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए 10 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, लखनऊ में, कहाँ पर है आपके लखनऊ, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई। चलिए बताइएगा कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर में, तो आपके देखिए 1976, क्या 1976 जो ऑप्शन है वो आपका राइट यहां पर बी हो जाएगा। अगला है मथुरा कला शैली का विकास निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों के काल में हुआ था। चलिए बताइएगा कि मथुरा कला शैली का विकास निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों के काल में हुई, दोबारा का ऑप्शन क्या हो जाएगा कुषाण वंश, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा, कुषाण बताना है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम फिल्म नीति की घोषणा कब की गई थी। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म नीति की घोषणा कब की गई थी, 13 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो 13 का देखिए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1999, कब 1999, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, 14 नंबर में। तो देखो दिया गया है यहाँ पर आपसे नट धुरिया या आपके बुंदेलखंड से है, नटवरी आपके पूर्वांचल से है, यहाँ पर दिया है कलाबाजी दिया है ब्रज से, तो यह जो कलाबाजी वो ब्रज से नहीं है, यहाँ पर ढंडिया जो आपका है वो दोआब से है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा आपका सी हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। तो किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया।
चलिए यहाँ पर देखिए आपका 15 का ऑप्शन है आपका डी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन बनेगा डी शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर 16 नंबर में, तो देखो आपसे दिया है खिचड़ी मेला आपके गोरखपुर में, मुड़िया पूर्णिमा मेला लगता है गोवर्धन में, देवीपाटन मेला लगता है बलरामपुर में, कलिंजर मेला लगता है बांदा में, तो भैया सोनभद्र तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया डी नंबर है आपका हो जाएगा। अगला है कह रहा आपसे मौर्य सम्राट अशोक कालीन अहरौरा स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। वीडियो भाई पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, जितने भी यहाँ पर लोग सिलेक्शन वाले हैं है ना उतने लोग लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि कुछ लोग तो बिना सिलेक्शन वाले होते हैं टाइम पास करते हैं, अपने माता पिता का पैसा ही खर्च करते हैं, तो ऐसे लोगों की ना मेहनत दूसरों को पता चलेगी, ना खुद मेहनत करेंगे, ना दूसरों की मेहनत को भी पता चल सकता है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं, अपने माता पिता का सम्मान रखना चाहते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, YouTube से कुछ बनना चाहते हैं, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं कि पसंद तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 17 नंबर है वो क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा मिर्जापुर, क्या हो जाएगा मिर्जापुर। देखिए अशोक सम्राट मौर्य सम्राट अशोक कालीन अहरौरा स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो आपका मिर्जापुर, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है 18 नंबर में। चलिए 18 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है कि एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया ये आपके सोनभद्र में है, सिराज ए हिंद आपके जौनपुर में है, कन्य कुब्ज आपके कन्नौज में है, यहाँ पर दिया गया है खलीलाबाद। बताइए भाई खलीलाबाद जो आपका है ये आपके कह सकते हैं इसका मुख्यालय नहीं है, आपके संत रविदास नगर दिया है, संत रविदास नगर का नहीं है, तो बताइए भाई यहाँ पर जो खलीलाबाद है किसका पड़ता है, ये आपका संत कबीर नगर का है, बिल्कुल सही है कि ये संत रविदास का नहीं है, ये संत कबीर दास का संत कबीर नगर का मुख्यालय है, कौन सा आपका डी वाला, तो आपका ये गलत हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है, चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है, 19 को ऑप्शन देना है आपका राइट क्या हो जाएगा। देखिए 19 को ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके कहाँ पर है लखनऊ में है, कहाँ पर है आपके लखनऊ में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है 20 नंबर में, तो आपसे दिया गया है कि द्रुपद मेला आपके वाराणसी में लगता है, लोहंदी मेला आपके मिर्जापुर में लगता है, ददरी मेला कहाँ लगता है। भाई जो ददरी मेला है ये देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है ना, यहाँ पर याद रखिए कि ये जो ऑप्शन है आपका ददरी मेला वाला ऑप्शन ये सहारनपुर जो दिया है वो गलत दिया है, वहीं पर जो नौचंदी मेला है वो आपके कहाँ लगता है मेरठ में, तो ददरी मेला लगता है कहाँ पर बलिया में, कहाँ पर लगता है बलिया में, तो इस कारण से ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गड़बड़ दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है सीमांत जोत कहा जाता है, जो आपके एक हेक्टेयर से कम होते हैं, जो एक हेक्टेयर से कम होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई सीमांत जोत कहते हैं, लघु जोत कहते हैं जिसके बाद एक से दो हेक्टेयर होती है, ये भी सही है। तो यहां पर बताइए मध्य जोत जो होता है उसको क्या कहा जाता है, मध्य जोत वालों के पास कितना होता है बताइए, मध्य जोत वालों के पास कितना होता है, चलिए मध्य जोत वालों के पास जो होता है वो कितना होता है ये बताइए, क्योंकि वह बृहद जोत तो आप लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर 10 में इंड है तो इसका मतलब 4 से लेकर 10 वाले जो होते हैं वो मध्य में आते हैं और बृहद वाले 10 के ऊपर आते हैं, इस कारण से सी वाला आपका गड़बड़ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में झंझरी मस्जिद स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में झंझरी मस्जिद स्थित है 22 नंबर में, आपका जवाब क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके जौनपुर में है, कहाँ पर है जौनपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवधी भाषा का प्रमुख केंद्र नहीं है, औधी भाषा का प्रमुख केंद्र नहीं है, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए आपका जवाब यहां पर देखिए लगभग काफी लोगों को दे रहे हैं जवाब, यहां पर देखिए जो आपका महाराजगंज में, अर्थात यहां पर देखिए बलरामपुर रायबरेली अमेठी, लेकिन महाराजगंज में ये आपके औधी का केंद्र नहीं है, 23 को ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है हाल ही में कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन हो गया है, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, देखो हमने बताया है क्वेश्चन जो बनेगा वो लगभग आपको यहीं से देखने को मिलेगा भी, यहाँ पर आपका कोट नहीं दिया है, 24 में डायरेक्ट आपको बताना है, कह रहा आपसे कि बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराना से था, सही है। वर्ष 1964 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वर्ष 1986 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से दिया गया, फिर दिया है वर्ष 2001 में इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से दिया, तो ऑप्शन जो डी वाला है वो आपका यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है ना। ये तीन पॉइंट आपको याद रखिए, लखनऊ घराना 1964 और आपका यहाँ पर 1986। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
कास्ट नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध आपका है, कौन सा स्थान है जो कि कास्ट नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है 25 में? तो देखो यहाँ पर सहारनपुर हमने पढ़ाया था, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की सूची में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए 26 नंबर में तो आपका उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। हम आपको जो करंट अफेयर ये आपको पढ़ा रहे हैं ना यूपी, ये आपके ऐसे यूपी पढ़ा रहे हैं कि आपके जो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं यहीं से आपके बन जाते हैं, याद रखिए ऐसी करंट अफेयर आपको पढ़ाई जाती है। और हमने बता दिया है कि एग्जाम के समय हम जो पढ़ा दें वो रामबाण होता है, ठीक है, लिख नहीं देते हैं रामबाण, ये वास्तविकता में है कि रामबाण होते ही होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, ये बचा कर रखते हैं ताकि बच्चे को यहाँ पर एग्जाम के समय पढ़ाई अच्छे से करे, है ना, मन लगा के करे। कह रहे हैं गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यहाँ पर 27 नंबर में, तो 27 को ऑप्शन सी हो जाएगा, ललितपुर। क्या हो जाएगा? ललितपुर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई? ये अंतिम की सीरीज को आप लोग पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपको यहीं से हो जाएगा, ठीक है, अंतिम की जो हम क्लासेस दे देते हैं 10-15 दिन एग्जाम के 10-15 दिन, बस उतना पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। तो देखो यहाँ पर आपका अगर 28 की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 1972। क्या हो जाएगा? सॉरी उत्तर प्रदेश में दिया गया है, क्या कह रहा है, प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है ना, संगीत नाटक अकादमी दिया गया है भैया, इसकी स्थापना 63 में हुई थी। कब हुई थी? 63 में हुई थी, ये नंबर लगाना भाई, है ना, हमने बताया 13 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ए वाला आपको लगाना है। तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा रचित है? लाजवाब क्वेश्चन आपका दिया गया है, याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा 29 नंबर में, ऑप्शन डी किस्सा राधा कन्हैया। किस्सा राधा कन्हैया ये अवध के अंतिम नवाब जो वाजिद अली शाह थे इनके द्वारा रचित की गई है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत जन्म के अवसर पर गाया जाता है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका 30 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपका सोहर गाया जाता है, क्या सोहर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अटाला मस्जिद का निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था भाई? तो ये इब्राहिम शाह सरकी है ना, ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा, इब्राहिम शाह सरकी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए 32 की अगर हम बात करें तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर देखिए 32 नंबर में, 32 को ऑप्शन क्या बनेगा? दुर्गा शंकर आपके मिश्र। कौन है भाई? दुर्गा शंकर मिश्र, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये आपके 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? चलिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? चलिए तो 33 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा, याद रखिए जयंत घोषाल। क्या हो जाएगा? जयंत घोषाल इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार से सीमा नहीं बनाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार से सीमा नहीं बनाता है 34 में? तो देखो भाई यहाँ पर बलिया है ना, यहाँ पर जो आपका चंदौली है, यहाँ पर जो आपका सोनभद्र है, लेकिन जो आपका मिर्जापुर है ये बिहार से सीमा नहीं बनाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है 35 नंबर में, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई आपका जो आंसर हो जाएगा 35 में वो आपका हो जाएगा देखो सत्यवादी हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, लेकिन जो आपका दिया गया है यहाँ पर इंद्र सभा जो आपकी है भारतेंदु की नहीं है, ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सोनभद्र तथा मिर्जापुर जिले के खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है? चलिए बताइएगा कि कौन सा नृत्य है जो कि सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है? 36 को ऑप्शन डी आपका कर्मा नृत्य जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्मा नृत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया था?
चलिए 37 को ऑप्शन देना है आपका, जो राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा कि मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया था, तो ये स्वामी हरिदास इसका ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वामी हरिदास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है 38 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है राणा भर स्पूत आपके कुशीनगर में है, लाल दरवाजा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद भाई, लाल दरवाजा मस्जिद लखनऊ, सारनाथ का सिंह स्तंभ लेख वाराणसी, और इसके बाद है सारनाथ का जो मंदिर है कह रहे हैं कानपुर में। तो ये बताइए सारनाथ का मंदिर कानपुर में है क्या भाई, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रखी है। चलिए भाई 39 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका मेरठ जिसका आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेरठ इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है, तो बताइए भाई उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है। 40 नंबर में आपका चावा से चावल, चा से चंदौली, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, चंदौली चावल की खेती के लिए मशहूर है, याद रखे देश में धान का कटोरा के नाम से पहचाने जाने वाला है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, गिरजा देवी ये आगरा घराने से हैं, और आपका भीमसेन जोशी का संबंध है किराना से। देखिए 41 का जो ऑप्शन बी वाला है भीमसेन जोशी, ये किराना घराने से हैं, कहाँ से हैं, किराना घराना, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब की गई थी, सांस्कृतिक विभाग की स्थापना ये आपके 1957 में की गई थी, कब, तो आपके 1957 में की गई थी, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस चित्रकार के प्रमुख चित्रकारी रामलीला मीरा का विषपान एवं शिव तांडव का चित्रण शामिल है, तो ये बताइएगा कि किस चित्रकार के प्रमुख चित्रकारी में रामलीला का मीरा का विषपान और शिव तांडव का जो चित्र है ये आपका शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा भवानी चरण गुई, भवानी चरण गुई जो आपके हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया, तो चलिए भाई आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1989, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे संगीत कला के आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। चलिए कुछ लोगों का तो आंसर सही है भाई, यहाँ पर देखिए 45 का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान को या आगरा घराने का जन्मदाता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए जो आगरा घराना था ये ध्रुपद परंपरा से संबंधित था, किसे, ध्रुपद परंपरा से संबंधित था, जहाँ पर ख्याल गायकी को बाद में पेश किया गया था, है ना, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे 26 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रदर्शन का पुरस्कार किस केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखो आपसे बोल दिया गया है आपका जो 46 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, आपके उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पर जो आपके 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था, कितने, 12, उनमें से उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर विषय केंद्रित रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला लखनऊ में नहीं स्थित है, लखनऊ में स्थित नहीं है 47 नंबर में। तो देखो भैया यहाँ पर जो दिया गया है 76 मंदिर ये भी आपके स्थित है, रूमी दरवाजा है और सिकंदर बाग है। यहाँ पर देखो दिया है शाही पुल कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो ये देखिए शाही पुल आपसे दिया गया है मझुई नदी पर स्थित आपका है, मुगल कालीन ये पुल आपका है, तो इसका जो ऑप्शन आपका है कौन सा, सी वाला, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर ये दोस्तपुर कस्बा एक पड़ता है उस पर आपका ये स्थित है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के उस लोकगीत की पहचान कीजिए जो मानसून के महीने में गाया जाता है और वह वीरा के भाव को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 48 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपका कजरी, क्या है, कजरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार बनारस घराने से संबंधित नहीं है, बनारस घराने से संबंधित नहीं है यहाँ पर 49 नंबर में, तो 49 का जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा क्या, सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर इनायत हुसैन, ये आपके याद रखिए बनारस घराने से नहीं है, बनारस घराने से बिस्मिल्ला खां, पंडित रविशंकर हैं और श्रीमती एम राजन आपके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश
प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए नंबर दे रहा है, कुछ लोग यहाँ पर अदर भी दे रहे हैं। चलिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? यहाँ पर देखिए लोग सोनभद्र दे रहे हैं, लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पर अलग दिया है। तरीका क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करता है, तो ये सोनभद्र क्या उत्तर प्रदेश का जिला है क्या भाई? ये सोनभद्र जो आंसर लगा रहे हो आप सभी लोग, तो क्या उत्तर प्रदेश का जिला क्या है? क्वेश्चन पूछा क्या गया है ये तो देखो पहले, हैं उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है क्या आप लोग? सोनभद्र यहाँ पर सोनभद्र जिला, सोनभद्र का कौन सा जिला सॉरी कौन सा जिला सोनभद्र, तो भाई सोनभद्र नहीं होगा यहाँ पर होगा भाई बदायूं, हम भी कन्फ्यूज कर दे रहे हो आप लोग। देखो यहाँ पर जो आपका बदायूं है वो आपके नौ जिलों को कर रहा है ना, ऑप्शन हो जाएगा क्या यहाँ पर डी हो जाएगा, सोनभद्र भी है आपका यहीं का, लेकिन जो बदायूं है वो आपके नौ जिलों को स्पर्श करता है। कौन? नौ जिलों को करता है, सोनभद्र नहीं होगा ठीक है। ये आपके चार राज्यों को स्पर्श करता है, क्या करता है? जो आपका चार राज्य है उनको स्पर्श कर लेता है ठीक है। चार हाँ सर जो सोनभद्र है, अरे हाँ जिला है यूपी का है, यूपी का ही है, लेकिन आपके जो आपका बिहार है उसको स्पर्श करता है, एमपी को स्पर्श कर लेता है, जो उससे अलग हुआ उससे स्पर्श करता है, जिला है ठीक है, परेशान नहीं है। यहाँ पर बदायूं इसका आंसर बनेगा भाई ठीक है, क्या हो जाएगा? बदायूं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? सबरी संकल्प अभियान का जो संबंध है आपको बताना है ये कहाँ से है। चलिए यहाँ पर बताइए, हाँ स्टेट को करता है, वो राज्यों को करता है ना, जो सोनभद्र है वो राज्यों को स्पर्श करता है, जो चार राज्य हैं आपके हैं ना, यहाँ पर बदायूं के बारे में पूछा गया था। देखिए सबरी संकल्प अभियान का संबंध जो है वो किससे है, वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो एक ही आपका जवाब आ रहा है, जो लोग गरीब रेखा के नीचे है उनकी सहायता करना, क्यों भाई? यहाँ पर जो आपका आंसर है वही राइट हो जाएगा, या क्या दूसरा हो सकता है? तो चलिए यहाँ पर आंसर देखो दिया गया है राष्ट्रीय पोषण, क्या दिया है? सबरी संकल्प अभियान का संबंध है राष्ट्रीय पोषण अभियान से, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण से बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री दोना योजना प्रारंभ की गई? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बलिया से, कहाँ से आपके? बलिया से, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है उत्तर प्रदेश के किसान भाई योजना को प्रारंभ किया गया कहाँ से? तो भाई किसान भाई योजना का प्रारंभ की गई किसान भाई, तो भाई से हो जाएगा 92 है ना, आपका आंसर भी हो जाएगा 1992 हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का जो आरंभ हुआ ये कब हुआ था? चलिए यहाँ पर आंसर जो है राइट क्या हो जाएगा? चार नंबर का। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।